हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अप्रैल महीने का दूसरा प्रदोष व्रत आ रहा है, वो भी शनिवार को, जो कि साल में 3 या 4 बार सिर्फ ऐसा मौका आता है जब शनि प्रदोष का दिन आता है। और इस बार 24 अप्रैल को शनि प्रदोष का व्रत है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों पक्षों की जो त्रयोदशी तिथि होती है, इनको प्रदोष व्रत, जो कि शिव जी के निमित्त किया जाता है, माना जाता है। प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसके अनुसार उसका नाम होता है। और इस बार प्रदोष व्रत की तिथि शनिवार के दिन है, इसलिए ये शनि प्रदोष व्रत कहलाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत संयोग होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा भी की जाती है। और जब दोनों की पूजा एक ही दिन होती है तो उस दिन का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इस बार शनिवार के दिन है प्रदोष व्रत, और इस दिन का सभी भक्त बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है। सारे उपाय जो भी इस दिन करते हैं वो चमत्कारी होते हैं, और साल में सिर्फ 3 या 4 बार ये दिन आता है। इस दिन व्रत करके, पूजन करके, छोटे छोटे उपाय करके मनुष्य अपनी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। शनि दोष जिनको है, शनि की 7.5 है, ढैया है, शनि की कुदृष्टि है, उन सभी को बड़ी आसानी से शनि दोष से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आपको शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है जो भी मनुष्य आज के दिन 11 शनि स्तोत्र का पाठ कर लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन आपको शनि देव की पूजा भी करनी चाहिए। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शनि मंदिर है तो वहाँ जाइए, वहाँ काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल, ये अर्पित करना शुभ माना जाता है। ये चीज़ें अर्पित करने से मनुष्यों पर शनि देव की कृपा बरसती है और मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु उपरांत शिव के लोक में जाकर सदा वहीं निवास करता है। प्रदोष व्रत को व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, और कहा जाता है कि इस व्रत करने वाले व्यक्ति को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को 2 गायों के दान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। और जब चारों ओर कहा जाता है अधर्म अपना पांव पसार लेगा, हर जगह गलत कार्य किए जाएंगे, उस समय केवल प्रदोष व्रत करके ही शिव की उपासना करने वाला व्यक्ति ही शांति पाएगा और सभी प्रकार के अधर्मों से दूर रहेगा। इस व्रत के विषय में बहुत समय पुरानी एक बात भी आती है कि जब एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से जो संपन्न था, अत्यंत ही दयालु किस्म का था, उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत ही दुखी थे। उनके दुख का कारण उनके संतान का ना होना था। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे, और एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े, और अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु को देखा। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए, इसलिए पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। पति पत्नी भी धैर्यपूर्वक वहीं हाथ जोड़े उसी स्थिति में बैठे रहे। अगले दिन सुबह साधु महात्मा समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा को भाप गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नील कंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमा कांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार से उन्होंने शिवजी की आराधना की, शनि प्रदोष का व्रत किया, और तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ जी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ जो अंधकार छाया था वह लुप्त हो गया। दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे।
तो दोस्तों आपको भी अगर बहुत सारे कष्ट हैं, संतान आदि की अपेक्षा है, तो आपको भी प्रदोष व्रत, खासकर शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए, शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि इस बार 24 फरवरी की रात को 7:17 से शुरू हो जाएगी और 25 फरवरी को 4:12 तक रहने वाली है। इस व्रत में 2 समय भगवान शिव की पूजा की जाती है, एक बार सुबह के समय और एक बार प्रदोष काल में, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम पहर में। शाम की इस पूजा का बड़ा महत्व है क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने के पूर्व का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है और आज के दिन आपको जो भी उपाय करेंगे इससे शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। आपकी कुंडली में अगर 7:30 का योग लगा है वो कम होगा। इसके लिए आप प्रदोष काल के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल आदि चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, फल जो भी है वो चढ़ाइए। इस दिन आपको उपवास रखना चाहिए, किसी प्रकार का भी आहार 3 प्रहर तक नहीं लेना चाहिए, यानी शाम तक नहीं लेना चाहिए। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, हो सके तो बिना खाए पिए उपवास करना चाहिए। शाम को भी सूर्यास्त होने से पहले स्नान कर लीजिए, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करके गाय के गोबर से लीप कर चाहे तो मंडप तैयार कर सकते हैं और 5 रंगों से रंगोली सजाएं और व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करके उत्तर पूरब की दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ जाइए। पूजा प्रारंभ करें, आपके पास जो भी शिवलिंग आदि है उसका पूजन करना चाहिए। हमेशा घर में सिद्ध करके पारद हो, स्फटिक हो, इसका शिवलिंग आपको रखना चाहिए और प्रदोष के दिन आपको शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शंकर हो, माता पार्वती हो, इनको पंचामृत हो, गंगा जल से स्नान कराइए, बिलपत्र, धूप दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, फूल, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इनसे आप पूजन कीजिए और भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन खास तौर पर शनि की दशा को दूर करने के लिए आपको शनि स्तोत्र का पाठ, मैंने बताया पहले भी, 11 पाठ करना चाहिए और नहीं तो आप शिवजी शिव महिम स्तोत्र आदि का, लिंगाष्टक आदि का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन शनि से संबंधित विशेष उपाय करेंगे तो दुर्भाग्य दूर होता है और कहा जाता है कि इस दिन अगर काली गाय की सेवा करते, काले जानवरों की आप सेवा करते तो विशेष रूप से लाभदायक होता है। बूंदी के लड्डू आप शिवलिंग पर चढ़ाकर काली गाय को खिलाते हैं तो इससे भाग्य उदय होता है। काले कुत्ते को आप चाहे तो तेल चुपड़ी हुई रोटी खिला सकते हैं। किसी जानवर आदि को भी आप खिलाते हैं तो शनि मंत्र का जप कर लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसके बाद आपको उनको खिलाना चाहिए। आप चाहें तो गरीबों को, अपाहिजों को, जो अंधों का आश्रम है वहाँ पर जाकर तेल से बनी हुई पुए, मीठे पुए, पकौड़ियाँ आदि भी आप खिला सकते हैं, ये भी बहुत लाभदायक होता है। इस दिन छायादान भी करना चाहिए, एक कांसे की या लोहे की कटोरी ले लीजिए या स्टील की ले लीजिए, उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल लेकर के अपना चेहरा देखना चाहिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और शनि देव का नाम लेकर के किसी डाकौत को, जो लोग भी तेल का दान लेते हैं डाकौत, उनको आप दे दीजिए दान, या फिर किसी शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर किसी रोड साइड में एक पत्थर रख करके उसके ऊपर आप शनि देव का भाव करके चढ़ा दीजिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएँ जरूर पूर्ण होती है। इस दिन आपको काले कपड़े में काली उड़द, 1.25 किलो अनाज, 2 लड्डू, कोयला थोड़े से और लोहे की कील लपेटकर अपने ऊपर से वार कर 27 बार आपको बहते जल में भी प्रवाहित करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आप शनि देव की प्रतिमा, जब भी शनि देव का पूजन करेंगे तो ध्यान रखें शनि देव की आंखों में नहीं देखा जाता है और पीपल की पूजा से या पीपल को जल देने से इस दिन विशेष रूप से शनि देव प्रसन्न होते हैं। और इस बार जब आप पीपल के सामने जाएं तो काले धागे का आपको एक उपाय करना है, अपने साथ एक हाथ आपको काला धागा लेकर के जाना है और अगर धन या स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं तो शनि त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष के दिन आप शाम के समय पीपल के वृक्ष पे जाइए और उसके जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करके सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। इसके बाद आप आपने जो काला धागा लिया है वो और थोड़े से एक चुटकी सिंदूर आपको पीपल के जड़ में खड्डा खोद दीजिए और वहाँ पर दबा देना चाहिए। अगर आपको नीले पुष्प मिलते हैं तो नीले रंग के पुष्प भी इस दिन लेकर के जाइए अपने साथ और वहीं बैठ करके एक माला का ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी।
जब आप लौटने लगें तो जो काला धागा आपने वहाँ पे पीपल की मिट्टी में दबाया है उसे निकाल कर घर ले आएँ, और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, किसी की तबीयत खराब है, किसी का दुर्भाग्य है, किसी पर कुछ किया धरा है, शनि की साढ़े साथी है, उसको दाहिने हाथ में इसको बांध देना चाहिए। दोस्तों, यदि घर का कोई मेंबर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो आप चाहें तो एक पत्थर छोटा सा ले सकते हैं और उसको काले रंग के धागे से लपेट लीजिए, या उसको ब्लैक कलर से पेंट भी कर सकते हैं, और पीपल के पेड़ की जड़ में आप उसको मनोकामना बोलते हुए कि वो पर्सन जल्दी ठीक हो जाए, इसको दबा देना चाहिए। इसके बाद वहीं पर बैठ कर सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर शनिदेव के नामों का स्मरण आपको 108 बार करना चाहिए। फिर आते समय वहाँ से जो पीपल का एक गिरा हुआ पत्ता हो, जो साफ़ सुथरा हो, कटा फटा ना हो, ऐसा पत्ता ले आइए और उस पर चमेली का तेल लगा करके आपको शिवजी को अर्पित कर देना है। और वहीं मंदिर में बैठ करके शम ह्रीम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना है। बाद में उस पत्ते को पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर के नीचे आपको रख देना चाहिए। इससे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होगी, शनि दोष भी दूर होगा, और चाहे तो मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर 11 फूल और 11 बिलपत्र से बनी हुई माला चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, जैसे शनि दोषों की वजह से अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको काली गाय के माथे पर इस दिन कुमकुम का तिलक लगाकर उसे बूंदी के लड्डू खिलाने चाहिए। इसके बाद दाहिने सींग को छूकर आशीर्वाद लें। ये उपाय आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करेगा। शनि प्रदोष के दिन भगवान को तिल की बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। काले तिल से चीज़ें बना करके आपको भोग चढ़ाना चाहिए, साथ ही गरीबों को भी भोग खिलाना चाहिए। और गरीबों को भी भोग खिलाएंगे तो उसमें थोड़े से काले तिल ज़रूर हों, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो काले छाते, काले जूते, काले कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं। इस राशि में चंद्रदेव से होने वाले सभी दोषों से शनि की कृपा से मुक्ति मिलती है। आज के दिन आप चाहें तो शनि यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसकी प्रतिष्ठा करके रोज उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए तथा नीले या काले रंग का कोई फूल आपको चढ़ाना चाहिए। और यंत्र के सामने बैठकर, जो लोग को यंत्र नहीं है, आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने भी बैठ के ये उपाय कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। ऐसा करने से भी सभी प्रकार के रोगों से, कर्ज से, मुकदमे आदि से राहत मिलती है, नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलती है। दोस्तों, शनिदेव ने एक बार हनुमान जी को वचन दिया था कि हनुमान जी की पूजा करने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं देंगे, इसलिए शनि दोषों से बचना चाहते हैं तो शनि देवता की पूजा के साथ साथ हनुमान जी के उपाय भी करने चाहिए। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। जहाँ शनिदेव को तिल तेल काले वस्त्र आदि चढ़ाते, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, लाल चोला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, लाल वस्त्र चढ़ाइए, गुड़ से बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगाइए, और आप देखेंगे कैसे शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। आज के दिन जिसको भी साढ़े साथी चल रही है, हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं या उन्हें चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चढ़ाएं। और अगर बरगद के पत्ते या मदार या ढाक के पत्ते मिलते हैं तो एक काले धागे में पिरोकर या फिर लौंग लगा हुआ पान का बीड़ा हनुमान जी पर आपको चढ़ाना चाहिए। इससे भी शनि बाधा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, काले धागे का ये उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। कुछ ना कर सके तो आज के दिन एक काला धागा लेकर के शिवलिंग पर या हनुमान जी के सामने या शनि देव के सामने चढ़ाकर वहीं पर इसे रख दीजिए, और फिर ओम शम शनिश्चराय नमः ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करके आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। जो स्त्रियाँ हैं वो अपने बाएँ पाँव में या बाएँ हाथ में इस काले धागे को बांध सकती है, और फिर आप देखेंगे कैसे आपका दुर्भाग्य नष्ट होता है। जिन लोगों ने पहले से पहना हुआ है काला धागा, उन सभी से निवेदन है काट करके इसे आज चढ़ा दीजिए, अगर एक दो महीना पहले से आपने पहना हुआ है, ताकि सारी पुरानी निगेटिविटी दूर हो जाए और नए सिरे से आप अपनी निगेटिविटी को एब्सॉर्ब करने की ताकत रख सकें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है, समृद्धि बनी रहती है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। आज के दिन दोस्तों इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके आप सभी देवी देवताओं के कोप को शांत कर सकते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो भुगत रहे हैं, परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोरोना को लेकर के परेशान है, उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, देखिए किस प्रकार आपके जीवन के कष्ट शनिदेव ज़रूर दूर करते हैं। कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा,
पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय शनिदेव की।